हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त और आज से हम पावर बीआई सीखेंगे। आज की इस वीडियो में आपको पावर बीआई का ओवरव्यू दूंगा, जिसमें हम सीखेंगे पावर बीआई क्या है, पावर बीआई हम क्यों यूज करते हैं, पावर बीआई के बेनिफिट्स, पावर बीआई और एक्सेल में क्या डिफरेंस है, पावर बीआई के पार्ट्स, कॉम्पोनेंट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। ये मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो इससे आपका एक पावर बीआई का ओवरव्यू पता चल जाएगा और पावर बीआई के जो भी इंटरव्यू होंगे उसमें इजीली आप क्रैक कर सकोगे। तो पावर बीआई क्या है? पावर बीआई एक बिजनेस एनालिटिकल टूल्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करवाता है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू विजुअल एंड विजुअल इनसाइट में। ठीक है, व्हाई पावर बीआई? बेसिकली पावर बीआई क्या करता है, कनेक्ट करता है एंड ट्रांसफॉर्म एंड एनालाइज मिलियंस ऑफ डेटा। ठीक है, और ये क्या करता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे टैग, हमारे पास एक्सेस में डेटा हो सकता है, हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस में डेटा हो सकता है, हमारे पास एक्सेल में हो सकता है, सीएसवी फाइल में हो सकता है, हमारे क्लाउड में भी डेटा हो सकता है। तो ये क्या करता है, पावर बीआई वहां से डेटा फेच करने का काम करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद रिलेशनशिप बिल्ड करता है। रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की जरूरत होती है, तो हम क्या यूज करते हैं इसमें, डेक्स फंक्शन। डेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। एंड पावर बीआई में क्या होता है, एक कस्टम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं एंड डैशबोर्ड के फीचर्स होते हैं। पावर बीआई के बेनिफिट्स क्या है, इट प्रोवाइड बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर ऑल, ब्रिंग्स डेटा टू लाइफ, पब्लिश रिपोर्ट सिक्योरली, यानी कि आप रिपोर्ट्स को सिक्योरली पब्लिश कर सकते हो विद एक्सेस। ओके, आप चाहते हो कि आपकी जो रिपोर्ट है यही बंदा देखे, यानी कि यही यूजर देखे, तो वो वही यूजर एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई यूजर रिपोर्ट्स को ओपन भी नहीं कर सकता। ठीक है, पावर बीआई क्या करता है, इजी कनेक्ट हो जाता है, यानी कि पावर बीआई के एक और बेनिफिट क्या है, ये बहुत सारे डेटा सोर्सेस से कनेक्ट हो सकता है। और ये क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, इट इज कंस्टेंटली बिंग अपडेटेड, यानी कि कुछ ना कुछ हर महीने कोई ना कोई अपडेट होता रहता है। पावर बीआई के पास क्या होता है, एआई कैपेबिलिटी भी होती है उसमें। ठीक है, और ये क्या करता है, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को ये इजिली मैनेज कर सकता है। अब आपको हो गया यार, एक्सेल में हम 1 मिलियन डेटा सेट तक ही स्टोर कर सकते हैं, बट पावर बीआई में हम पावर बीआई में 1 मिलियन से अबव डेटा स्टोर कर सकते हैं बट एक्सेल में नहीं कर सकते, या ये एक पॉइंट हो सकता है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स कि हम पावर बीआई से एक्सेल से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते कंपेयर, क्यों? क्योंकि एक्सेल में हम कोई भी रिपोर्ट को हम ट्रैक नहीं कर सकते, किसी भी रिपोर्ट को हम ट्रैक नहीं कर सकते, बट पावर बीआई में हम ट्रैक कर सकते कि किस बंदे ने क्या चीजें चेंजेस करी है। दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है कि इसका एक्सेल में ऐसा कोई फीचर्स नहीं होता है जो ये बताए या हमें नोटिफिकेशन दे कि किस रिपोर्ट में कौन से फीचर चेंज हुए हैं और कब रिफ्रेश हुए हैं, बट पावर बीआई में हमें ऐसी चीजें मिलती है कि किस यूजर्स ने क्या चीजें चेंजेस करी है, हमारे पास पावर बीआई में ऐसे फीचर्स होते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड ये कि रिपोर्ट को हम यूज नहीं कर सकते वीआई थ्रू एप और मोबाइल एंड आईपैड, बट पावर बीआई में हम ऐसा कर सकते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर बीआई सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है, पावर बीआई डेस्कटॉप क्या होता है, एक फ्री वर्जन होता है, पावर बीआई सर्विसेज क्या होता है, एक पेड वर्जन होता है जिसकी कॉस्टिंग अराउंड $10 होती है। और पावर बीआई डेस्कटॉप को और क्या कह सकते हैं, हम पावर बीआई डिजाइनर बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हम पावर बीआई डेस्कटॉप में जो भी हम चीजें बना, अब सपोज करो जैसे हम एक्सेल में बनाते हैं, फाइलें क्रिएट करते हैं, फाइलों में कुछ भी रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो हम उसको इजीली शेयर कर सकते हैं, तो इसमें भी शेयर कर सकते हैं, जैसे हम एक्सेल की फाइलों को शेयर किया जाता है। पावर बीआई सर्विसेज क्या होता है, एक क्लाउड बेस्ड होता है, यानी कि ये एक क्लाउड बेस्ड होता है, ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, और ये इसका जो डिजाइन होता है, यानी कि इसकी जो रिपोर्ट होती है, ये क्या होती है, लाइट रिपोर्ट होती है, एडिटिंग एंड कोलैबोरेशन होती है, और ये बहुत ही पावरफुल होती है और यूजफुल होती है। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ
पावर बीआई के, पावर बीआई के जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो पावर बीआई डेस्कटॉप में आपने क्या बनाया, एक रिपोर्ट बनाया, उसमें बहुत सारे चार्ट बनाए, उसके बाद आपने क्या किया पब्लिश करा, पब्लिश करा तो आप वो क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं फोन के थ्रू भी, ठीक है। पावर बीआई डेस्कटॉप के कंपोनेंट क्या होते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप के कंपोनेंट क्या होते हैं, लाइक पावर क्वेरी होती है, ठीक है, पावर व्यू होता है जिसे हम डेटा मॉडल भी कहते हैं, पावर पिवट हो गया, पेजिनेट रिपोर्ट हो गया, पावर ऑटोमेट हो गया, पावर एप्स हो गया, डेक्स के फंक्शन हो गए, पाइथन और आर क्वेरी हो गई, ये सारी चीजें क्या होती है कंपोनेंट होती है किसकी, पावर बीआई की। अब पावर क्वेरी, पावर क्वेरी में हम क्या करते हैं डेटा मैसअप करते हैं, यानी कि डेटा को क्लीन अप करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसको ईटीएल भी कहते हैं। ईटीएल का मतलब क्या होता है, एडिट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। उसके बाद पावर पिवट, पावर क्या होता है, एक टेबुलर डेटा मॉडलिंग होता है। पावर व्यू क्या होता है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं जिसमें हम डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं। पावर मैप हम 3D बना सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स के लिए। पावर क्यूएनए यानी कि नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन एंड आंसर इंजन होता है, यानी कि आप उसमें कुछ भी क्वेश्चन पुट करोगे, लाइक आपको चाहिए टोटल नंबर्स ऑफ कस्टमर काउंट, तो इजिली वो आपके सामने एक चार्ट बना के दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर या टोटल नंबर ऑफ सेल्स पर्टिकुलर बंदे ने कितने करें। तो ये पावर बीआई में, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आज की इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी रहेगी, ठीक है, जिसमें आप एक एक चीज एक एक कंपोनेंट के बारे में जान पाओगे कि कोई कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। एंड पावर बीआई डेस्कटॉप ये क्या होता है, एक पावरफुल कैंपेन डेवलपमेंट टूल्स होता है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करवाता है। पावर बीआई सर्विस एंड कंपोनेंट, पावर बीआई सर्विस एंड कंपोनेंट में क्या क्या आता है, पावर बीआई गेटवे आता है। पावर बीआई गेटवे में क्या करते हैं, मान लो कि इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हम एक्सेल में फाइल को शेयर करते हैं, ठीक है, मेल के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू ये करते हैं, बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें शेयर नहीं करना, ये क्या होता है ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है, जनरेट हम जनरेट इजिली मेल कर सकते हैं और अलर्ट कर सकते हैं, आराम से ट्रांसफर हो सकते। रो लेवल सिक्योरिटी क्या होता है, रो लेवल सिक्योरिटी हम क्या करते हैं कि अब जैसे हम एक्सेल में करते हैं, एक्सेल में हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रोटेक्ट सेट कर दिया कि ताकि कोई बंदा हमारे चार्ट्स या कोई रिपोर्ट डिलीट ना कर सके, सेम इसमें भी रो लेवल में क्या होता है, हम एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि एक्सेस पर, कि ये पर्टिकुलर यूजर्स ये एक्सेस यही एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कुछ एक्सेस नहीं करता, सेम इसमें भी होता है। पावर बीआई एम्बेडेड, पावर बीआई एम्बेडेड क्या होता है, पावर बीआई एम्बेडेड में क्या होता है, ये कंपोनेंट किसमें है, एजर में है, और इस फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एक मतलब कि ये क्या करता है, एक एपीआई प्रोवाइड करवाता है जिसका यूज हम क्या कर सकते हैं कि एक एंड यूजर पावर बीआई के डैशबोर्ड को अपने कस्टम एप्लीकेशन में यूज कर सके, तो इससे ये हेल्प होती है। एंड पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर, पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर क्या है, एक टूल्स है जो एक पेजिनेट रिपोर्ट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पब्लिश टू द पावर बीआई सर्विसेज। पेजिनेट रिपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, लाइक हम प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसको एक फिट फॉर्मेट में ला सकते हैं, और हम डिस्प्ले करा सकते हैं सारे डेटा टेबल्स को और मल्टीपल पेजेस को भी। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं पावर बीआई में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए, यानी कि लाइक ईंट चाहिए मुझे, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, तो ये सब जितने भी मटेरियल ये क्या है, एक ब्लॉक्स है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि एक घर बनाने के लिए मुझे ये चीजें चाहिए होंगी, तो सेम सिनारियो हमारा पावर बीआई में यूज होता है जिसमें चार चीजें चाहिए होती है। पहला होता है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हमें पाई चार्ट हो सकता है, जिसमें हमें लाइन चार्ट हो सकता है, और बहुत सारे ग्राफ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये क्या है, ये क्या है, ये एक विजुअलाइजेशन है। अब सेकंड चीज क्या होता है, डेटा सेट, डेटा सेट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा, लाइक जो हम स्प्रेडशीट एक्सेल शीट होती है, ओरेकल एंड एसक्यूएल की टेबल्स होते हैं, वो सब क्या होता है, एक वो सब एक क्या होता है, एक डेटा सेट होता है, ठीक है, लाइक जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डेटा सेट है। अब थर्ड वन क्या होता है, थर्ड वन रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, अब कलेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी कि रिपोर्ट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन में यानी कि जिसमें
बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्स बाई कंट्री हो गया, प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट्स हो गया, जैसे ये क्या है कम्युनिटी वेल बींग बाई स्टेट, कम्युनिटी वेल बींग क्राइम रेट एंड हेल्थ एंड केयर क्वालिटी, ये सारी चीजें क्या है एक रिपोर्ट से, एक रिपोर्ट बन के आ रही है। उसके बाद क्या आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है, एक सिंगल लेयर का प्रेजेंटेशन होता है जिसमें मल्टीपल विजुअलाइजेशन हो सकते हैं, जैसे लाइक सेल्स डैशबोर्ड, लाइक एक सेल्स डैशबोर्ड में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, पाई चार्ट हो सकते हैं, बार चार्ट हो सकते हैं, इस तरह से। टाइल्स क्या होता है, ये क्या एक सिंगल विजुअलाइजेशन होता है रिपोर्ट्स में या एक डैशबोर्ड में, यानी कि ये क्या है एक टाइल्स है। यहाँ पे ये देख रहे हो न्यू स्टोर ओपन दिस ईयर, ये एक टाइल्स है। टाइप्स ऑफ कनेक्टर में क्या, डेटा कनेक्टर में क्या है, यानी कि पावर बी आई क्या करता है बहुत सारे, यानी कि मैनी डेटा सोर्सों से डेटा फैच कर सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप ये देख रहे हो कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ये क्या है एक गेट डेटा जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है ऑल फाइल डेटाबेस पावर प्लेटफॉर्म एजर ऑनलाइन सर्विस अदर, ये सारे इसी इस फाइल के अंदर भी बहुत सारे डेटा सोर्सेस हो सकते हैं। फाइल के अंदर क्या क्या हो सकता है, हमारे पास फाइल के अंदर हो सकता है हमारा हमारे एक्सेल हो सकते हैं, हमारे टेक्स्ट सीएसवी हो सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, जैसन हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, पीडीएफ से भी हम ले सकते हैं डेटा, डेटाबेस से लाइन यानी कि एसक्यूएल से ले सकते हैं डेटा, एक्सेल से डेटा ले सकते हैं, ये जितने भी है ये डेटाबेस का पार्ट है। यानी डेटाबेस किसको कह सकते हैं, जो आरडीएमएस यानी कि आरडीएमएस जितने भी हैं वो सारे डेटाबेस है, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ से रखते हैं, पावर प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, यानी पावर बीआई डेटा सेट से ले सकते हैं, डेटा मार्ट से ले सकते हैं, डेटा वर्सेस से ले सकते हैं, डेटा फ्लो से डेटा ले सकते हैं, फ्रॉम एजर से भी ले सकते हैं, एजर में भी बहुत सारी सोर्सेस है, वहां से भी डेटा उठा सकते हैं हम, और ऑनलाइन सर्विसेज से भी उठा सकते हैं, लाइक शेयर ड्राइव, शेयर पॉइंट, डायनेमिक्स 365, गूगल एनालिटिकल, सेल्स फोर्स, गिटहब एंड फॉर अदर्स, यानी कि आप इसके अदर भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देख रहोगे आर स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट, ODBC, OLEDB, इन सारे डेटा सोर्सों से भी आप डेटा इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और ये लिमिटेड नहीं है, ये और बढ़ेंगे भी, कोई नया डेटाबेस आएगा तो वो भी ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेरी एडिटिंग टूल्स क्या होते हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है होम है, हेल्प है, टेबल टूल्स है, ये सारी चीजें क्या है, इसको क्या कहते हैं क्वेरी एडिटिंग टूल्स, जिसमें होम के अंदर देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ये क्या होता है ये क्वेरी एडिटिंग टूल्स होता है, ठीक है। फॉर्मूला बार यानी कि इसमें आप फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, इसको एम लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टेबल की नेम लिख सकते हो, और ये अप्लाइड यानी कि जो भी आप स्टेप अप्लाई करोगे, ये अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे कुछ भी हम चेंज करें, इवन सिंगल चीज चेंज, मान लो मैंने एक किसी सेगमेंट को डिलीट कर दिया, मान लो सेगमेंट कॉलम डिलीट कर, तो यहाँ पे एक स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे एक क्वेरी पेन होता है, यानी कि ये क्या है फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंशियल का क्या है एक टेबल है, यहाँ पे जो भी टेबल होगा जो भी चीजें होगी वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, ठीक है। अब होम के अंदर क्या क्या चीजें होती है, लाइक होम के अंदर देखो, होम के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है, न्यू सोर्स, रिसेंट सोर्स, एंटर डेटा सेट, ये सारी चीजें क्या होती है होम के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। ये क्या करता है एक ट्रांसफॉर्म टूल्स के काम करता है। अब ट्रांसफॉर्म में क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म में क्या हो सकता है, ये क्या करता है मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा मॉडिफाई एग्जिस्टिंग टेबल पे ही करेगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बैक जाता हूँ, यानी कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे मुझे इस टेबल में कुछ करना है, तो मुझे इस टेबल में कुछ करना है तो इसी टेबल पे होगा, नेक्स्ट टेबल पे नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम को, यानी कि जो जिस कॉलम में हमें करना है ट्रांसफॉर्मेशन उसी में हम कर सकते हैं, हम उसमें डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, हम उसमें स्प्लिट करना हो कुछ स्प्लिट कर सकते हैं, फॉर्मेट करना फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऐड कॉलम। ऐड कॉलम सेम ट्रांसफॉर्म जैसा ही है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं एक नया कॉलम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या हो सकता है कंडीशनल कॉलम हो सकते हैं, इंडेक्स कॉलम जिसमें हम नंबर्स लिख सकते हैं, लाइक जैसे इंडेक्स लिखते हैं ना वैसे इंडेक्स, इनवॉक कस्टम फंक्शन, ये मैं आने वाले टाइम में आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सेम चीज, सेम जो हम ट्रांसफॉर्म में करते हैं वही सेम चीज इसमें भी होती है, ठीक है। अब पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे करना है,
सीधा क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आप कहाँ पहुंचे, मान लो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक करा माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई डेस्कटॉप, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड पे जैसे क्लिक करूंगा एक स्टोर ओपन हो जाएगा, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होगा आपके लैपटॉप या पीसी में, वो ओपन हो जाएगा। ये देखो ये ओपन हो गया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे पावर बी आई डेस्कटॉप आ रहा है, यहाँ पे ओपन आ रहा है, नहीं आप में क्या आएगा इंस्टॉल करने का आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का पावर बी आई इंस्टॉल, देन इंस्टॉल कर लेना। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम लाइक विंडो 10 है, विंडो सर्वर है, विंडो सर्वर 2008 है, विंडो 7, विंडो 8, ये सारी चीज सारी विंडो में चल जाएगा जो अबव होगा 7 से, ठीक है। पावर बी आई डेस्कटॉप और क्या कहते हैं, पावर बी आई डेस्कटॉप रिक्वायर इंटरनल एक्सप्लोरर और 10 और ग्रेटर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई डेस्कटॉप इज अवेलेबल फॉर 32 बिट, 86, यानी कि ये दोनों फॉर्मेटों में हमारे पास अवेलेबल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लव एंड सपोर्ट, बी हैप्पी बी हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।